लोग बोलते हैं कि हाँ भूत प्रेत भी आते हैं, लेकिन देखते हैं अभी रात को क्या होता है, भूत मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज हम सुबीर नाइट कैंपिंग करने वाला है, तो यहाँ से थोड़ा कुछ ऐसे खाना भी लेके जाएंगे क्योंकि आज तो खाना चाहिए और सुबह कुछ बना लेंगे। तो यहाँ से राजा चाइनीज पाव भाजी और ये पुलाव वगैरह मिलता है। अभी यहाँ से कुछ ऐसे खाने को ले लिया है राजा चाइनीज में से। और अभी यहाँ आज मैं मेरी यूनिकॉर्न पे हूँ और दिव्यांग अपनी पैशन पे है, तो अभी मिलते हैं उधर है। अभी आगे हमारा थोड़ा काम था वो ख़त्म कर लिया और अभी ये बाजू में दिव्यांग पटेल और ये हमारे नए दोस्त। तो भाई ये हमारे नए दोस्त के भी यूट्यूब पे चैनल है मिस्टर भार्गव व्लॉग्स के नाम से, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और अभी निकले हैं यहाँ से, कोई कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं। और मैं राइड का ऐसा वीडियो नहीं लिया क्योंकि राइड आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए अभी सीधा निकले हैं व्लॉगिंग की जगह ढूंढने के लिए। सॉरी दोस्तों, व्लॉगिंग की नहीं लेकिन कैंपिंग की जगह ढूंढने के लिए। तो अभी सीधा उधर ही मिलते हैं, सोची है, देखते हैं। ये आगे रास्ता है वहाँ से अंदर लेते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा है, अच्छा है लेकिन देखते हो। अभी यहाँ से अंदर अंदर सीधा जाने का। ये कारी दीवारी दीवारे ये बाबा, इतने तो भैंस हुआ है रे। कोनो बात नहीं, अभी कहाँ तक अंदर जाना है देखते हैं, कहाँ तक अंदर जाते हैं। और पहले यहाँ गाड़ी रुकाते हैं। यहाँ पे रास्ता भी खत्म हो जाता है। तो आपने देखा वहाँ से यहाँ आ गए और अभी यहाँ ऐसे कैंप लगा दे कहीं पे भी और फिर देखते हैं क्या होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं भाई दीप, इस पेड़ का नाम क्या है? वड़। वड़ बोलते हैं इसको गुजराती में, हिंदी में पता नहीं, साइकस इंग्लिश में। लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत प्रेत भी आते हैं, लेकिन देखते हो अभी रात को क्या होता है, भूत मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये देखो देखते हैं अभी यहाँ पे ऐसे कैंपिंग कैंप कैसे लगाते हैं और वो सब कुछ दिखा रहे हो, टाइम लैप्स में ले देते हैं। और कैंप कैसे लगाना उसका मैंने वीडियो अलग सेपरेट बनाया हुआ है और वहाँ से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। આપડે એકબીજા ને મોડા જોવાનું કેવું લાગે એટલે કેમ લેવા तो ऐसे अभी हम लगा दिया और मुंह फिरा लिया, अभी यहाँ ऐसे चलते हैं। फाइनली टेंट कंप्लीट हो गया और आगे इधर खिड़की है पीछे, और 8 पर्सन का टेंट है लेकिन लगता नहीं, 4 जन भी आज हम 4 लोग हैं तो 4 भी मुश्किल से आएंगे तो आएंगे, पता नहीं क्या होता है। और क्या, और कुछ नहीं अभी। तो दोस्तों ऐसे ये 4 लोगों का टेंट है लेकिन ये एक मैं एक और ये 3 लोग हुए, मुश्किल से 4 लोग सो सकते हैं। अगर आप 2 लोग या 3 लोग भी हो ना तो 8 पर्सन वाला टेंट ले लो, अच्छा रहेगा। दो टेंट लगा दिए यहाँ, और यहाँ एक हमारा फ्रेंड का है और ये सब।
और ये लोग ऐसे सॉन्ग चला रहे, हमारे पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, रहने देते अभी व्लॉग। तो अभी थोड़ी शाम ऐसे हो गई है, सूरज ढल गया, बाहर निकलने का मूड नहीं है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ और वो तीन लोग हैं ना वो बाहर बॉल ऐसे खेल रहे हैं, वो बॉलिंग डालते हैं क्रिकेट वाली, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग ऐसा ही खेल रहे हैं और मेरे को ऐसे क्रिकेट विकेट वो पसंद नहीं है मेरे को, तो मैं यहाँ ऐसे व्लॉग ले रहा हूँ। अभी इंतजाम में कुछ भी नहीं है, लाइट भी हमारे पास नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं कि अकेला क्या बड़बड़ा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। मच्छर भी है, अभी बहर बंद कर लेता हूँ, आग ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो ऐसे आग लगा ली और यहाँ बर्तन रख लिए है और यहाँ कुछ ऐसे खाने के लिए कुछ बना दे। अभी मैं सब लाए हैं, पाव भाजी लाए हैं, अभी इसके गरम करते और खाते हैं, मिसल पाव की जो बोले मिसल पाव के यहाँ। तो अभी सीधा कुछ ऐसे गरम करके मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। तो ये हमारा यहाँ खाना ऐसे हो रहा है और ये दो जगह पे ऐसे जला लिया और अभी करते हैं, लिखते हैं ये पाव भाजी, थोड़ी गरम कर लेते हैं ऐसा सोचा। तो अभी गरम हो ही गई वैसे, बोल है हाँ। ऐसे खाना अभी चालू करते हैं, भाजी पाव भाजी पाव भाजी साथ। तो अभी ये लग गई भाई, तो मैं तो मैं खा के दूँ दूँगी। तो ऐसे अभी टेंट में आ गए हैं, तो ये पांच तो मतलब चार लोग ऐसे सो तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, ऐसे जगह नहीं रहती। ये हमारी आग भी जल रही है और एक लाइट है, उतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। और आज पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है नाइट कैंपिंग का, पहली बार टेंट में, अभी पता नहीं रात को क्या होगा क्या नहीं। और अभी ये 7:30 बज गए, कैसे क्या बोलते हैं, मस्त आग जलाई अभी, अभी शायद 9 बज गए होंगे, 9 भी ना, यही 9-10 हो गए और पूरा अंधेरा, ये टेंट भी नहीं दिख रहा। अरे लकड़ी थोड़ी ठीक कर लेते हैं, अभी कुछ ऐसे 10 बज गए हैं और सब सो गई, ये कुछ लोग ऐसे सोए नहीं है और हम दो बाहर ऐसे हाथ सेक रहे हैं हाथ पर यहाँ। और वैसे ठंडी भी नहीं है ज़्यादा लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है। और ये हमारा टेंट और ये एक तो ये ऊपर से टेंट ये है मस्त, लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत है वैसे, ये देखो ये ऐसा कापड़ बहुत वो पतला है, तो ऐसे कुछ ऐसे नीचे रखना पड़ता है, ये मैंने चादर रखी हुई है, तो कुछ ऐसा आप ले आओ कुछ साथ में कि ऐसा मैट जैसा कुछ, तो आप उस पर अच्छे से रह सको सो सको, क्योंकि ये बहुत पतला है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, तो अभी बजे है कुछ 6:40 हुए है, 6:49 हुए और हम लोग उठ गए। और मैं लेट उठा क्योंकि मैं रात को देर से सोया था, 12:30 / 1:30 और ऐसे आग भी जला ली है। वैसे अभी निकलते हैं और ब्रश वगैरह कर लेते हैं।
ऐसे अभी थोड़ा हार्ड बात सीख रहे हैं, ज़्यादा ठंड तो है ना ही, लेकिन फिर भी तो अभी ऐसे मुंह वगैरह धो लिया, ब्रश वगैरह भी कर लिया और अभी चाय बाय कुछ बनाते हैं। और उधर लकड़ी आ गई है और चूल्हा जलाने का प्रोसेस चालू हो गया है, मतलब चूल्हा ही बोलते हैं ना। और तो यहाँ मस्त आग लगा दी, वहाँ पे बुझा दी और यहाँ लगा दी। अभी वो तपेली वपेली ऐसे बर्तन को रखते और चाय बाय मस्त बना दे। अभी ये बर्तन रख दिए और तपेलो धोड़ा ही यहाँ ये पता नहीं क्या कर रहे, धोना है नहीं धोना है, उठाना है नहीं उठाना है, अंदर धुआड़ा ही जाए, धुमाड़ा ही जाए, ऐसे धुआं जैसा धुएं का वो टेस्ट आता है। कोयला लकड़ा नहीं धुआड़ निकल रहा है। चाय सर्व कर रहे हैं, भी चाय हो गई तैयार, मस्त भाप निकल रही है, तैयार चाय ही तैयार हो गई है, मस्त भाप निकल रही है। और पीछे जाने दो, अनेक पास करिया करनी। और ये हमारी चाय आ गई, कितनी से लाली रकाड़ी मिली बोली। और अभी अच्छा सुबह सुबह का चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाता है, कुछ मिले ना मिले। हाँ लाखों में तो अभी ऐसे मैगी बनाने जा रहा है, तो पहले हाँ डाल दीजिए। पेपर लावनी पेपर। तो ये यहाँ हमारी मैगी पूरी और ये मैगी मसाला, पानी भी थोड़ा उबल गया है, घर का मसाला, और घर का मसाला इधर है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते। और ये मैं ऐसे डिब्बे में पैक करके लेके आया, मेरी मर्जी। जो भाई के बनने का खबर नहीं, अभी कैसा बनेगा पता नहीं, चूल्हे पे ऐसे पहली बार बना रहा हूँ, गैस पे ही बना रहा हूँ, गैस पे ही बना, चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती है गैस से। तो करोड़े पानी का है ये घर का मसाला। लाखी में बड्डू मारी बोलो, आलू लहन खास छे, मरचू लाल मरचू भी से थोड़ा कोशिश है। आदू पेलो नहीं खाई, लोहन नहीं खाई क्या लगा दे, आदू लोहन बंटू लाख में जा रहा है, लोहन नहीं खाई है। तो ये घर का मसाला और मैगी मसाला डाल दिया और पानी भी उबाल रहे हैं और अभी डाल ही लेते हैं मैगी को भी। इच्छा पूरी करो, नहीं लगता है, नहीं लगता है, पानी कम है मेरे को लगता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि एक कप पानी लगे ना, ये लोग कह रहे आराम से मिले, वो जा पहले डीली करियर ले रहा हूँ, अभी देखते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा तो होगा ही पर कैसे लगे पता नहीं है, नहीं पानी डालना ही पड़ेगा, हमारा नहीं लगता बस लगता सर अच्छे के बाबू पानी मेरा बस जाना होगा है नहीं जल्दी। चलो जैसे जिसकी सोच क्या करे, आप ही बोलो पानी कम है या ज्यादा, मेरे को कम लगता है। ये देखो इतना पानी भी चलेगा या ज़्यादा डालना पड़ेगा, आठ मैगी या आठ मैगी बनावे। हो गई हमारी मैगी तैयार, पानी थोड़ा कम है लेकिन हो गई। ये लोग यार सॉन्ग बजाते अपने पे कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो अभी ये सब पैकिंग वगैरह कर ली जितना वो सब बिखेरा हुआ था, और ये सब डिस्क पेपर डिस्क वगैरह, और ये भी टेंट खाली हो गया, और हम सब ये सब ऐसे कचरा वचरा जला दिया। और स्वच्छता अभियान भाई मोदी जी की, हाँ यार आप भी अगर कैंपिंग करते हो सर कचरा वचरा जला दिया करो, साथ में लेके जाओ मोदी जी की बात का। और ये बाइक तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर ये टेंट वेंट अभी निकल ले। अरे यार
और अभी ये टेंट बेंट वगैरह निकालते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी और क्या बात करें, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी हमारी नाइट कैंपिंग कंप्लीट हुई और अभी थोड़ा सुबह का काम है वो ख़त्म करके घर चलते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और क्या, आप भी आ सकते हो यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हवा के आसपास हो या फिर कहीं भी मतलब हो तो यहाँ कैंपिंग करने की अच्छी जगह है वैसे। और महल भी है, महल कैंप साइट उधर भी। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे महल कैंप साइट है, वहाँ भी जा सकते हो। तो अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।